मंचर। नमस्कार दोस्तों, हम लोग अभी अवेंजर्स एंड गेम देख के आए हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अगर आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख के आइए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो इस रिव्यू में काफ़ी स्पॉयलर्स होंगे। अगर आप स्पॉयलर्स नहीं चाहते हैं तो अभी समय है, आप ये वीडियो स्किप कर दीजिए। अगर आप स्पॉयलर्स नहीं माइंड करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा रिव्यू सुन सकते हैं। तो इस रिव्यू को मैं तीन हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहला हिस्सा ये है जो मेरे को इस फिल्म के बारे में चीज़ें अच्छी लगी। दूसरा हिस्सा ये है जो मेरे को चीज़ें ऐसी लगी जो थोड़ी और अच्छी हो सकती थी या बुरी थी या ख़राब थी। और तीसरी चीज़ जो कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ सवाल हैं इस फिल्म को देखने के बाद। तो दोस्तों, जो 2008 में स्टार्ट हुआ था आयरन मैन के साथ, वो इस फिल्म में 2019 में ख़त्म किया गया। जो फिल्म का बिल्डअप है वो काफ़ी बढ़िया है। पुरानी मार्वल मूवीज़ हैं उनकी मुझे काफ़ी याद आई। उसमें काफ़ी अच्छे से दिखाया कि पहले जो अच्छे लोग हैं या जो हीरोज़ हैं हमारे, वो हारे हुए टूटे हुए हैं, पर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म वो जिस जिस तरह से हम उनको देखना चाहते हैं वो उस तरह से बन चुके हैं, वो एक्चुअल हीरोज़ बन चुके हैं। इनकी जर्नी देखने के बाद ऐसा लगता है कि हीरोज़ ने एक्चुअली कुछ अचीव किया है, ना कि शज़ाम की तरह या कैप्टन मार्वल की तरह, जहाँ पे ऐसा लगता है कि हीरोज़ को फोर्स करके उनको दिखा दिया कि हाँ भाई ये लोग बहुत स्ट्रांग है और इनका आर्क पूरा हो गया, पर इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। ये फिल्म की पेसिंग काफ़ी सही है। शुरू में तो हल्की सी स्लो है क्योंकि ये लोग थोड़ा एस्टैब्लिश करें कि क्या हुआ, अवेंजर्स ने क्या खोया, और अब अवेंजर्स जो जो उन लोगों ने खो दी, अपनी टीम खो दी है, तो टीम को दोबारा बना रहे हैं। उसमें थोड़े कॉमेडिक पार्ट्स भी हैं, थोड़ा सीरियस पार्ट है। जैसे जब हॉकाई का सीन आता है तो वो काफ़ी सीरियस हो जाता है, पर उसके पहले जब थॉर का सीन आता है तो थॉर को ऐसा दिखाया है कि वो अब मतलब अपनी हिम्मत हार चुका है, उसकी तोंद निकल गई है, वो दिन भर बैठ के दारू पीता है और फॉर्टनाइट खेलता है। ये एक बहुत अच्छा ईस्टर एग था जो मेरे को लगा कि वो लोग दिखा रहे हैं कि हाँ वो अब कुछ करता नहीं है तो वो बैठ के फॉर्टनाइट खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस फिल्म के बारे में वो ये थी कि मेरी पास्ट मेमोरीज को या हम लोगों की पास्ट मेमोरीज को काफ़ी अच्छे से रिविजिट किया गया। मैं इन फिल्मों के साथ, मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था तब मैंने पहली आयरन मैन फिल्म देखी थी, और मैं ये पूरे मार्वल सिनेमाटिक यूनिवर्स के साथ बड़ा हुआ हूँ, तो एक काफ़ी अच्छा नॉस्टैल्जिक फीलिंग था कि हम लोग ये सारी पुरानी मूवीज़ में वापस गए। अवेंजर्स तीन टीम में स्प्लिट हो जाते हैं, और वो अवेंजर्स 2012 वाली फिल्म में जाते हैं, वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में जाते हैं, और वो थॉर 2 में भी वापस जाते हैं। उसके बाद ये लोग 1970s में भी जाते हैं, जिसमें स्टैनली का एक कैमियो है, और स्टैनली को काफ़ी यंग दिखाया है जो बहुत ही डिफरेंट है। जो इस फिल्म में जोक्स हैं या क्विप्स हैं वो सही हैं, वो बहुत ज़्यादा हर हर जगह नहीं डाले, जैसे कि जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में या थॉर 3 में किया था कि हर जगह हर हर एक सीरियस मोमेंट में एक जोक है। पर ऐसा नहीं है, जोक्स है, एक्शन है, ड्रामा है, एकदम परफेक्ट बैलेंस है। जैसे इन्फिनिटी वॉर में थानोस बोलता है परफेक्टली बैलेंस्ड, वैसे ही इस फिल्म में ड्रामा, एक्शन और कॉमेडी परफेक्टली बैलेंस्ड। इस फिल्म में ज़्यादा कैप्टन मार्वल को खींचा नहीं है, तो ये एक अच्छी बात थी। मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता अगर पूरी फिल्म में सिर्फ कैप्टन मार्वल ही होती, जो नहीं है। तो कैप्टन मार्वल शुरू के 10 मिनट में आती है और एंड के 10 मिनट में आती है, जो आई थिंक एक रिस्पेक्टेबल डिसीजन है। बट कैप्टन मार्वल के साथ एक बहुत बढ़िया सीन इन लोगों ने शूट किया है, जिसमें कैप्टन मार्वल एंड में स्टार्क गॉन्टलेट या जो टोनी स्टार्क इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनाते हैं उसको लेके जा रही होती है, और पीटर पार्कर दिखाता है कि थानोस की आर्मी कैप्टन मार्वल के पीछे आ रही है। तो इस समय जितनी भी फीमेल हीरोज़ हैं इस फिल्म में, नताशा को छोड़ के या स्कारलेट जॉनसन को छोड़ के, क्योंकि वो मर जाती है, वो सारे असेंबल होते हैं। और ये काफ़ी कूल सीन है कि सारे फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं और वो सबकी पावर्स फुल चार्ज्ड होती है। अब आते हैं दोस्तों, इस फिल्म के बारे में मुझे क्या अच्छा नहीं लगा या क्या और अच्छा हो सकता था या क्या बुरा था। तो सबसे पहली बात तो मैं इससे स्टार्ट करना चाहूँगा कि ये एमसीयू का एंड है, या फिर एमसीयू जो हम जानते हैं उसका एंड है। इसके आगे एमसीयू में क्या होगा अब हमें पता नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने कोई एंड क्रेडिट्स का सीन नहीं डाला, कुछ आगे मूवीज़ में रेफरेंस नहीं दी कि क्या होगा। टोनी स्टार्क मर गया है, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है वो टोनी स्टार्क के साथ ही चालू हुआ था 2008 में, और वो टोनी स्टार्क के साथ ख़त्म हो गया। तो मे बी अब हम फेज 4 में जाएंगे, जिसमें शायद हम लोग थोड़ा और इंटरगैलेक्टिक देखेंगे और अर्थ का शायद थोड़ा कम देखेंगे। एक चीज़ जो मुझे लगी जो और अच्छे से फ्लैश आउट की जा सकती थी वो ये था कि इस फिल्म में टाइम ट्रैवल का यूज़ किया गया है,
और दोस्तों जब हम लोग टाइम ट्रैवल की बात करते हैं तो हमारी जो स्टोरी है वो ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म में जो टोनी स्टार्क है और कैप्टन अमेरिका है उनके जो आर्क है उनको अच्छे से क्लोज कर दिया गया है। चलिए सही है, मेरे को टोनी स्टार्क का आर्क सही लगा, पर मेरे को कैप्टन अमेरिका का आर्क थोड़ा सा अनसेटिस्फाइंग लगा। फिल्म के एंड में दिखाते हैं कि जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं वो कैप्टन अमेरिका जहाँ जहाँ से लाए हैं पास्ट में वहाँ वापस छोड़ने जाते हैं, और हल्क बोलता है कि वो 5 सेकंड में वापस आ जाएंगे। जब वो 5 सेकंड में अपनी मशीन ऑन करते हैं तो कैप्टन अमेरिका वापस नहीं आते। पर उसके बाद वो एक दूसरा शॉट दिखाया था जिसमें कैप्टन अमेरिका जो है समुद्र के बगल में बैठा है और सैम विल्सन या फाल्कन कैप्टन अमेरिका की तरफ जाते हैं और बात करते हैं उनसे, और तब हमें रिवील करते हैं कि कैप्टन अमेरिका बूढ़े हो चुके हैं। एक चीज़ जो मुझे बहुत बढ़िया लगी इस फिल्म में वो ये था कि कुछ कैरेक्टर्स अपने पास्ट कैरेक्टर्स या अपने पास्ट सेल्फ से मिले जाके या उनसे इंटरेक्ट किया या उनको देखा, और फिर उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि वो क्या थे और अब क्या बन गए हैं। जैसे कि हल्क का एक सीन है जिसमें जो अवेंजर्स 2012 वाली फिल्म से लिया गया है जिसमें हल्क एक एलियन को पीट रहा है और एलियन मर जाता है, पर उसके बाद भी हल्क जो जिस गाड़ी से उस एलियन को पीट रहा होता है उस गाड़ी को तोड़ने लग जाता है। और उस टाइम पे दिखाते हैं कि जो हल्क फ्यूचर का है वो अपने आप को फेस पाम करता है और बोलता है कि भाई मैं ऐसा था पहले, क्या मजा आ गई है। और जो फाइनल बैटल सीन है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी एपिक है। जो आखिरी लड़ाई है दोस्तों वो काफ़ी बढ़िया है। एक चीज़ जो मुझे बहुत सही लगी उसके बारे में वो ये है कि उसमें सारे अवेंजर्स वापस आ जाते हैं और कैप्टन अमेरिका थॉर का हैमर उठा लेता है जो आज तक और कोई अवेंजर नहीं उठा पाया है, और थॉर को लगता था कि इसे वही वर्दी है, तो कैप्टन अमेरिका ये हैमर उठा लेते हैं। तो एक बहुत ही कूल सीन है जिसमें कैप्टन अमेरिका की शील्ड होती है उनके पास और उनके पास उनका हैमर होता है और फिर सारे अवेंजर्स उनके पीछे खड़े होते हैं और फिर वो फाइनली ये चीज़ बोलते हैं अवेंजर्स असेंबल, जो आई थिंक उन लोगों ने अभी तक नहीं बोली है। तो ये सीन मुझे बहुत कूल लगा। जो टोनी स्टार्क के पिताजी हैं उनका जो बटलर है उसका नाम जारवेस है। एक चीज़ जो मुझे जो मैंने बहुत मिस करी वो ये है कि आज तक जो भी मैंने आयरन मैन फिल्म देखी या जो भी मार्वल फिल्म देखी जिसमें आयरन मैन है उसमें एक एक कूल सीक्वेंस ज़रूर होता है जिसमें आयरन मैन अपना सूट पहनता है, और इस फिल्म में ऐसा कुछ खास था नहीं। मैं उस चीज़ को लेकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। तो जैसा मैंने पढ़ा था मेरे को लगा था कि इस फिल्म में जो उनका सूट है वो काफ़ी अपडेटेड होगा, है वो काफ़ी अपडेटेड नया सूट है उनका, पर कुछ उसमें सूटअप सीक्वेंस नहीं है ऐसा कूल सा। मेरे कुछ सवाल हैं दोस्तों जिनका मैं जवाब देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप अपना जवाब आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में और आप कमेंट्स में लिखें। पहला सबसे पहला सवाल है कि अब एमसीयू में क्या होगा? अब टोनी स्टार्क ख़त्म हो गया, कैप्टन अमेरिका बुढ़ा हो गया, कैप्टन अमेरिका अब एक नया फाल्कन है, जो तो क्या हमें कैप्टन अमेरिका ऐसा दिखाई देगा जो शील्ड भी है और विंग्स भी हैं उसके पास? क्या अब नए हीरोज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे? तो जैसे आयरन मैन की जो फियोन्से या वाइफ है पेपर पॉट्स वो आयरन वुमन बन के आती है, टोनी स्टार्क की एक बेटी भी है, तो क्या हमें अगली फिल्म में आयरन गर्ल दिखेगी? थॉर जो है वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ चला जाता है, तो क्या अब हमें एज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 दिखेगी? ऐसे कुछ सवाल हैं दोस्तों मेरे जो मेरे को लगता है कि होगा। आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अब आते हैं दोस्तों रेटिंग्स पे कि मैं इस फिल्म को कितनी रेटिंग दूंगा। तो स्टोरी के लिए मैं इसको 3.5 स्टार्स दूंगा क्योंकि मेरे ख्याल से स्टोरी में कुछ प्लॉट होल्स थे और थोड़ी लेजी राइटिंग थी जो और अच्छी की जा सकती थी। सीजीआई तो क्योंकि मार्वल की फिल्म है तो आप एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि सीजीआई काफ़ी बढ़िया रहेगी। सीजीआई को मैं 4 स्टार्स दूंगा। म्यूज़िक को मैं 3.5 स्टार्स दूंगा क्योंकि कुछ जगह इन लोगों ने काफ़ी कूल म्यूज़िक यूज़ किया, पर थ्रू आउट द फिल्म ये लोग अवेंजर्स का थीम ही बजा रहे थे अलग अलग वेरिएशंस में, जो मेरे को थोड़ा रिसाइकल्ड लगा। मतलब अब 4 मूवीज़ में हम लोगों ने यही स्कोर सुना है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ थोड़ा अलग करेंगे ये लोग। डायरेक्शन को मैं 4.5 स्टार्स दूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से रूसो ब्रदर्स ने इस फिल्म को काफ़ी अच्छे से डायरेक्ट किया है, और मेरे ख्याल से अगर कोई और उनकी जगह होता तो शायद इतने अच्छे से ना कर पाता। ओवरऑल दोस्तों मैं इस फिल्म को 4 स्टार्स दूंगा, और अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए। मैं इस फिल्म को दोबारा देखने जाऊंगा, शायद 3 बार देखूंगा, और फिर वेट करूंगा कि वो डीवीडी या नेटफ्लिक्स या कहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे आ जाए तो मैं उसको देख सकूँ।
चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग ख़त्म करते हैं अवेंजर्स एंड गेम का रिव्यू हिंदी में। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने इस फिल्म के बारे में क्या सोचा, आपको ये फिल्म अच्छी लगी, आपको ये फिल्म बुरी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा।